पहले पड़ती थी पास, तब होती थी ऑर्गेनिक खेती, अब पर रहे यूरिया। आदमी वैसे गर्म घूम रहा है, आदमी का है आजकल लंदन के इतनी अंदर गर्मी है, ये देखो जो तार बांध रहे उनके बहुत अंदर गर्मी भरी भरी है। ये देखो खाद छिड़का रहे, इनका नाम है काली बहन कालो। हाथ दिखाओ यार, दिखाओ हाथ, दिखाई आदमी का ना काली उजर भाई, सब प्रकार के खाद है तो कहाँ तक गर्मी ना हो। पाँच पूछो हम कई बार डालो, पाँच कितने बार डालो हम, तीन टाली झूठी बताए ना, याक टाली नहीं पड़ी जाको भाई, यूरिया याक बुरिया कहूँ हुआ वाह हुआ रखी खादी वाह दिखा रहे हैं। तो यूरिया खवा खवा वाह गर्मी ला रहे हैं, और इनके बारे तो हैं, अगर कोनो थोड़ा तेज बोल दें इस घर क्या तो इनके बारे पर है सब कुछ खा खा यूरिया। एक तो गेहूँ चल गया लाए बियासे वाली खादी, और चलेगा बियास जाइए ऑटोमेटिक। ऑर्गेनिक खेती यार सही थी, यूरिया बहुत खतरनाक है, लेकिन कहा खाद न डरी हो तो गेहूँ न हुई। तो ये देखो भैया यहाँ खाद तो डाल रहे हैं और सामने तार कस रहे हैं। ये व्लॉग यार एक कहते नहीं हमारे सर एक हैं, वो उन्होंने कहा था कि व्लॉग एक ऐसा बनाओ कि सामने वाले को कुछ दो, दोने का मतलब ये हो गया कि कोई सलाह कोई उपदेश ये चीज। तो उपदेश यही है कि अब तो ऑर्गेनिक खेती का मतलब ही नहीं बनता, कोई करता ही नहीं है, लमसम एक दो करते हो तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो खाद डाल रहे हैं, लेकिन ये खाद बहुत खतरनाक है। तो खाद डाली जाए कि ना डाली जाए तुम बताओ, खाद तो हमारे खाते में यार डायरेक्ट है, डारा रही परसों डारा रही पानी हूँ लगा दिया है, वो वह क्या तू लोग डाले है खेत तो नहीं क्या चरगा। तो योगी जी गाय ना बंद करवाइयो, हम जान गए ना आपके ना, आपकी बार वोट अपने भैया को देना है अखिलेश भैया, उनके तो मैं खुला सपोर्टर हूँ, उसमें कोई बात ही नहीं दो राय ही नहीं, क्योंकि उनके काम दिखते हैं, आपके भी काम दिख रहे हैं। वो सामने हाईवे आप ही मतलब निकल रहा है यहाँ से भी, वो देखो सामने जो ऊंचा ऊंचा दिख रहा है वो हाईवे है। तो अखिलेश भैया जिंदाबाद, क्योंकि उन्होंने यार उनके काम में गिनाऊंगा एक दिन, उस पर वीडियो बनाऊंगा। काली चलो वो खाद तुम डारी है। ये है मचाना, यहाँ पर परे परे गैया है, ताकत तमहू चढ़ जाती है, तुमको दिखाते हैं पूरा चौगिरदा से हवा आती है, ये है मचाना ठीक। पीछे खेत चर जा तबहू, और ये देखो खाद डाले जा रहे हैं काली। तो भैया बचत नहीं ना चाहिए जितना ताको, रात भर जब तक न तकी हो जगी हो ना, सुबेरे अगर सोई हो तो घर वाले लाठी लेके आ जाते। कुल मिला कहना पीटे हम ही पाचे जाए थे। तो यहाँ उम्मीद करी थे कि गैया वैया बंद करवा दो, ये अर्धान प्रधान लोग भी नहीं सुनते, गौशाला बनवा देने लेकिन चारा नहीं, तो गैया तो फिर गेहूँ इनका तो चर चर हमारे सब चढ़ रही हैं। चाहे जितना तक देखो या झोपड़ी जैसे इस बनी है कुरिया, ये देखो भैया तिरपाल ताने लोग रही रहे, हम हूँ ताकिर लेकिन हम रात में चले आए तो आग हमारो चली गई, तो हमें ही कहाँ लट्ठू चला दी जाए। और एक तो गाय हमारी माता है, खेत पूरे चर जाता है, और सांड जी को क्या बताएं हम, उनको तुम पास समझ लो अपन। तो भैया गाय बंद करवा दो, उम्मीद है कि ये वीडियो शेयर करना, ताकि अपने प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जो जो मिनिस्टर हैं सबके पास जाए और गायों का बंदोबस्त वो सभी मिलके करवाएं। देश का किसान सत्ता से नहीं गायों से है परेशान। तो भाई गायों को बंद करवाने का ये जो सिलसिला है मैं जारी किया हुआ हूं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो लो एक्शन लो, गाय बंद करवाओ, बहुत परेशान है किसान, हम परेशान है, यही हमारे में वीडियो बनाई थे। तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और किसानों का सपोर्ट करो सभी लोग, ताकि गाय बंद हो जाए, वो भी अपने सुकून से सोए अपने घर में। जब वो सुकून से सोएंगे तब तुम सुकून से खाओगे, अगर वो सुकून से सोएंगे नहीं तो फिर आप कुछ खाओगे नहीं, क्योंकि खेत में परे परे कब तक भी जगी है यार, वो इंसान है आही, हम लोग इंसान है आही, तो समझो खाद डाल रहे हैं। देखो तब हूँ चल जात खाद का फायदा, गेहूँ आसानी नहीं जाते घर है, राशन 2 किलो तेने घर नहीं चलत है, 5 किलो समझ रहे हो ना। तो वीडियो को शेयर कर देना।